तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा ख्याल आता है, तुम तो आती नहीं, तुम्हारी कॉल आ जाती है। मैं गनीमत समझे फोन कर लेती हूँ आपको। क्या कह रहे थे आप? अकेला तन्हा इंसान क्या कर सकता हूँ? एक अकेला तन्हा आदमी अपनी तन्हाई को खत्म करने के लिए अपनी सभी को ढूंढ सकता है। ढूंढने की क्या जरूरत है, तुम हो ना? हाँ मैं हूं, लेकिन लेकिन मुझे आपकी जिंदगी में होने का यकीन चाहिए। महविश, आप और नायला आ रहे हैं हफ्ते को, मैं उनसे बात करता हूं कि इतवार को तुम्हारे घर आए और आके खाला से बात करें। सच? वादा? वादा। समझ में नहीं आ रहा। नबीला, नबीला मेरी घड़ी नहीं में। अच्छा भला पता है कि हम बहनें हफ्ता और इतवार अपने भाई के साथ गुजारती हैं। पूरा हफ्ता तुम्हारे माँ बाप के साथ चिख चिख में गुजरता है, डेढ़ दो दिन सुकून के भी ना लू। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि उमेर तो अब बड़ा हो गया है, वो तो वैसे ही नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, और अलीना के इम्तिहान है, वो इम्तिहानों की वजह से नहीं जाएगी, तो तुम भी क्या मतलब क्या तुम भी क्या? बच्चे बड़े हो गए, अपनी मर्जी के मालिक हैं, नहीं जाते तो ना जाए। मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती, तरसता है बेचारा हमारी शक्लें देखने को। काश तुम्हें एहसास हो कि वो और किन किन बातों को तरसता है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी तन्हाई तुम दोनों के वहां वीकेंड्स में चले जाने से खत्म नहीं होगी। उसका कोई परमानेंट बंदोबस्त क्यों नहीं करते तुम लोग? अरे भाई शादी करो उसकी, इसमें परेशानी क्या है? वैसे भी रिश्ता तो तय है उसका। ज़हूर इलाही, इतने भोले ना बनो। जैसे तुम तो जानते ही नहीं कि शादी के बाद क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। एक ही भाई है हमारा, तुम क्या चाहते हो? हमारा सुख छीनना चाहते हो? चाहते हो कि हमारा मैका छिन जाए हम बहनों का? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अब उसकी उम्र काफी हो गई है, तुमसे छोटा है लेकिन दो बहनों से तो बड़ा है। उसके साथ के अब दो दो बच्चों के बाप बन चुके हैं, अब तो लोग भी बातें करने लगे। अरे हो जाएगी शादी जब होनी होगी, अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। और ये तुम अपने मशवरे अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो, हमें नहीं जरूरत। भाई इतने दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, इतना दिल कर रहा था। चलो शुगर है, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो नजर आई। नहीं सही कह रहा हूँ मैं असन भाई?
इसके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे सिर्फ तभी नसीब होती है जब यहाँ लेकर आता हूँ मैके। देख रहे हैं आप कैसी जली कटी बातें सुना रहे हैं ये। मजाक कर रहा है? जी नहीं, आप ऐसे हंसते हंसते टाल देते हैं और इनको और बढ़ावा मिलता है क्योंकि पूछने वाला जो कोई नहीं है। ओहो, धमकी? भाई का रोग जमा रही है मुझ पर? क्योंकि ये सिर्फ मेरे भाई नहीं है ना, मेरे बाप की जगह है ये। अरे चाय आ गई। असन तुम खाने के लिए कुछ लाए नहीं, मैंने तो इसलिए नहीं बनाया, तुम लेते आओगे? अब मैं सोचा था ले लूं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। कोई मसला नहीं है, अभी जाके ले आता हूँ समोसे वगैरह। तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आऊं? नहीं नहीं सुन भाई, रहने दें, थके हुए आए हैं आप, बैठे हैं चाय पीते हैं, डिनर सर जल्दी कर लेंगे ना। आप तो फिर मंगवा लो कुछ, मैं नहीं पका सकती। हाँ तो मंगवाने की क्या जरूरत है, चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे डिनर करते हैं, बल्कि भाईजान और दोनों बच्चों को भी बुला लें। हाँ ये अच्छा रहेगा। अच्छा असलम भाई, उसके बाद ना हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, आपको याद है जहाँ आप कॉलेज के बाद हमें लेके जाया करते थे? साकिब को मैं कहती हूँ लेकिन ये तो ये कह के टाल देते हैं कि बहुत दूर है। आपा वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। खैरियत? खैरियत? फरीदा खाला चाहती है, बल्कि वो क्या मैं चाहता हूँ कि जो सालों पुराना एक रिश्ता बना हुआ है उसको आप मुकम्मल होना चाहिए। उसूलन तो खाला को ये बात मुझसे करनी चाहिए थी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तुम्हारे मुंह से कहलवाने की जरूरत क्या थी? नहीं अगर असूली तौर पर देखा जाए तो लड़की की माँ होने के नाते उसको खुद अपने मुँह से ये बात कहनी नहीं चाहिए। हाँ मतलब ये क्या बात हुई, खुद ही मुंह फाड़ के कह दिया कि हमारी लड़की को ले जाओ, पे बड़ी भारी पड़ी है। नहीं नहीं आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, खाला का मकसद हरगिज़ ये नहीं था। खाला ने इस तरह से बात नहीं की थी, बड़े दबे लफ्जों में उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, वो महविश की वजह से बहुत परेशान है। क्यों क्या परेशानी? हम मुकर जाएंगे, बदहद हैं हम, अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे, क्या सोचती हैं वो? हाँ आपा बात ये नहीं है, नबीला की शादी पे आपने देखा था खानदान वालों को किस तरह की बातें कर रहे, किस किस की जबान रोकेंगे। सच्ची बात तो यह है कि मैं बहुत अकेला पड़ गया, मैं चाहता हूँ इस घर को फिर से आबाद किया जाए, इस वजह से। क्या ये तो ठीक है, हाँ सोचते हैं। आपको मुझे लगता है कि असन भाई का ना रोज का आना जाना है खाला की तरफ, इसे लगता है काबू ही कर लिया दोनों ने। तो है तो हमारी खाला, और ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन शरीफ औरतों के ये लच्छन नहीं होते, बेटी को सामने करके लड़के को काबू में कर लिया। आपा आपने भी क्यों हामी भर ली असन भाई के सामने कि हम सुबह जाएंगे तारीख लेने के लिए? तो मैं क्या करती, अब वो हमारी खाला फाफे कुटनी बन के हमारे भाई को ये एहसास दिला रही है कि वो तन्हा है लाचार है, मैं खामखा में इनकार करके बुरी बन जाऊं कि मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती? लेकिन आपा क्या हम अपने भाई से प्यार नहीं करते? कोई फिक्र नहीं है हमें उनकी, हमसे ज्यादा किसे ख्याल होगा उनका? मुझे तो रात को नींद नहीं आती ये सोच के, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, लेकिन ये महविश सारा टेढ़ी खीर है। खैर तुम इतनी भी परेशान ना हो, असवंत से मैंने वादा किया है कि मैं खाला के घर तारीख लेने जाऊंगी, ये वादा नहीं किया कि खाला के घर से तारीख लेकर आऊंगी। सारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, अब बार बार आवाजें मत देना मुझे। खाने में क्या बना? और प्लीज ये मत कहना कि बाहर जाके खाएंगे, हर वक्त बाहर का खाना अच्छा नहीं होता।
ये क्या भाई, मेरे पाकिस्तान से जाने का वेट कर रहे थे आप, मेरे जाते ही शादी की डेट फिक्स कर ली। अरे मेरी गुड़िया, मैं कामरान से खुद बात कर लूंगा और तुम लोगों के बगैर थोड़ी सब कुछ हो सकता है। अभी आपा और नायला गए हैं बात करने के लिए। और अगर कामरान इतनी जल्दी पाकिस्तान आने पर नहीं माने ना, तो आपको डेट आगे करनी पड़ेगी शादी की, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, बच्चे मेरी बात सुन, देख तेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अब जो भी तय होता है मैं रात में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? और तुम लोग दुबई में हो, अमेरिका में नहीं हो, हो जाएगा सब कुछ मैनेज, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके ओके बाय। नजीबा, तुम कुछ नहीं ले रही हो? नहीं नहीं खाला, आप तो जानती हैं मैं बाजार का कहाँ खाती हूँ, ऐसे में तबीयत खराब हो जाती है। खाला आप तो हमें तारीफ बताएं बस, जिसके लिए बुलावा भेजा था आपने। बुलावा? मैंने तो सिर्फ असलम से ये कहा था कि अपनी अमानत ले जा। अब क्या मैं इतना भी नहीं कहती? अब महविश से छोटी दोनों बहनों को मैंने ब्याह दिया है और फिर असलम की उम्र भी है। छोड़ो। नहीं नहीं, क्यों छोड़ो, छोड़ो क्यों, बोले बोले आप बात पूरी करें ना, जताएं हमें असफन की उम्र। एक बात तो बताएं खाला, अम्मी ने जब महविश के लिए रिश्ता मांगा था उस वक्त महविश 3 दिन की थी और असफन 13 साल का, उस वक्त नहीं आपको नजर आया उम्र का फर्क? मेरी बात सुने खाला, वैसे भी जब लड़की 25 से ऊपर की हो जाती है ना तो ज्यादा उम्र की ही कहलाती है, अब चाहे लड़का 37 साल का हो या फिर 60 साल का। अरे बेटा, अगर घर में बैठे बैठे वो 25 की भी हो गई तो इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो मैंने असवन की बात का भरम रखा था, उसने कहा था कि नबीला की शादी हो जाएगी तो फिर मैं अपना घर बसाऊंगा। अभी बेकार में वक्त जाया करना क्या फायदा है खाला, बस जल्दी से तारीख दें ताकि हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। हाँ जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत आला बात की आपने, बल्कि असवन भाई को भी बहुत जल्दी है, मैं तो कहता हूँ कि अगले महीने ही रख लेते। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने जल्दी नहीं, शादी के लिए तैयारी के लिए कम से कम 2-3 महीने तो चाहिए ना। अच्छा, अगर शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं थी तो फिर काहे को जोर डाला आपने असफन पे? मैं तो समझी सब कुछ तैयार होगा भैया, अगर आपको 3-4 महीने चाहिए थे तो उस बेचारे को क्यों परेशान किया? मैंने कोई जोर नहीं दिया था, इतना तो मेरा हक है ना कहना। ठीक तो कह रही है खाला, एक पैगाम भेजा है उन्होंने, याद दहानी कराई है, हमें तो हक है उनका। बस खाला देख लीजिएगा जरा, हमारे हक का भी ख्याल रखिएगा और महविश को सिखा के भेजिएगा, ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमें ही कोने से लगा दे। आखिर एक ही भाई है हमारा, उसके अलावा हमारा है ही कौन? हाय अल्लाह ना करे बेटा। नहीं नहीं, महविश की तबीयत का तो हम जानते हैं ना, मतलब भाभी से भी ना बन सकी, आपका बेटा बहू को लेकर इसीलिए अलग हो गया ना क्योंकि महविश उसको पसंद नहीं करती थी, सारा खानदान जानता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो नजीबा, मेरी बहू किस लिए अलग हुई थी ये सबको पता है, उसका ऑफिस बहुत दूर है, वो नौकरी करती है इसलिए। अरे खाला बहुत ही बोदा बहाना है ये, हकीकत हम सबको पता है कि महविश की वजह से ही वो घर छोड़ के गई, लेकिन खैर हमें क्या इस बात से फिक्र, हमें सिर्फ इस बात की है कि जिस लड़की की अपनी भाभी क्यों ना बन सके, नंदों के साथ बना के कैसे रखेगी, बताएं मुझे। मेरी बेटी बहुत समझदार और सुलझी हुई है, उसका भाभी से कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बस वो निदा का ऑफिस बहुत दूर पड़ता था तो उसने वहाँ पे घर ले लिया करीबी, और बच्चों का स्कूल भी तो वहाँ था। अरे बच्चों के खातिर बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन तुम क्या जानोगी। खाला आपने किस तरह मुंह भर के मुझे बेऔलादी का ताना दे दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। आप सुन रही हैं? कैसे जता दिया इन्होंने मुझे कि मेरी गोद खाली है बिल्कुल। चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा आखिरी कुंवारा दोस्त भी ठिकाने लग गया। शुक्र करें, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि असफन भाई की शादी हो रही है। भाई साहब उनसे कहिएगा गर्मियों से पहले की तारीख रखें। आपस से यही कहा कि खाला से बात करें कि सादगी से सारा कुछ करें। वैसे सादगी से सब कुछ करने में कोई मुजायका तो है नहीं। अरे असफन भाई ये क्या कह दिया आपने, सादगी से क्यों होने लगी आपकी शादी?
आपकी बहनें हैं, ना जाने उनके क्या क्या अरमान होंगे आपकी शादी को लेके, क्या क्या सोच रखा होगा। आखिर उन तीन बहनों के आप इकलौते भाई हैं। सही कह रही हैं, आपा का बस नहीं चल रहा कि जश्न कर दें वो शादी। और नायला तड़प रही है बाजारों में जाके शॉपिंग करने के लिए कि भाभी के लिए ये भी लेना है वो भी लेना है। और नबीला मेरी गुड़िया, उसका बस चले ना कल आ जाए पाकिस्तान, कामरान को छुट्टी करवा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा आप लोग आए, खाना ठंडा हो रहा है, रेडी? नहीं मैं अभी मिठाई लेनी है, दस काम है यार। पहले खाना खा लो फिर ले लेना मिठाई भी। अरे नहीं नहीं खा। बिला वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो तुम लोग। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई का घर बसे। अब हर कोई आपकी बेटी की तरह नहीं होता कि भाभी को घर में टिकने ही ना दे, लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दे। और मुझे भी अब आपके तेवर बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। आप भी नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, इसलिए हमारे भाई की उम्र जता दी हमें। तो इनकी लड़की कौन सी लड़की बाली है, पक्की उम्र की हो गई। और ऐसे ही होता है, जब मेरी शादी हुई मैं 19 बरस की थी और ये 40 बरस के। पर आफरीन है हमारे माँ बाप की तरबियत पे के मुंह से एक शिकवा नहीं निकाला। इसको तो पता नहीं कौन सा नौ उम्र शहजादा चाहिए। बस खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसे भी समझाओ ना, वो इस रिश्ते को गनीमत समझे, वरना उसके नसीब में अच्छे रिश्ते कहाँ। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ता आता है महविश का, अभी कल ही की बात है इतना अच्छा रिश्ता आया है, अगर उसके बारे में मैं बता दूं तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बस करें अम्मी बस करें, अब समझ आई मुझे। ये जो नए नए रिश्ते आ रहे हैं ना, इस पे राल टपक रही है माँ और बेटी की। मैं बता रही हूँ आपको कि इनकी नीयत बदल चुकी है, इसीलिए तो इतनी बदतमीजी की, हमें जलील किया ताकि सारी की सारी बात हम पे आ जाए। आप समझ नहीं रही हैं। अरे बस बस रहने दो। अरे ये शेखी मार रही हैं, वरना इसके लिए तो किसी टटपूंजिए का भी रिश्ता ना आए। ये तो हमारा एहसान है और हमारे भाई की सादगी जो इसे कबूल कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान, नहीं करना मैंने अपने बेटी की शादी तुम्हारे साथ, समझ आई? निकल जाओ यहाँ से। खाला याद रखेगा, इस घर में इस लड़की का रिश्ता लेने कोई भी नहीं आएगा, बैठी रहेगी सारी उम्र ही घर में। 2 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने अपनी बेटी की शादी आला खानदान में नहीं की ना, तो मेरा नाम भी बदल देना। अब चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। हाँ 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 जा रहे हैं जा रहे हैं। खाला होश तो उस दिन ठिकाने आएंगे जब अपना थूका चाटोगी, अपनी बेटी को हमारे आगे रखकर मिन्नत समाजत करोगी, तब आएगा दिमाग ठिकाने। जा रहे हैं। पांच किलो के ना पांच पैक्स, और वो जरा उस तरह के ना जरा वो जो थोड़े। हाँ क्या बताऊं, ऐसा जलील किया हमें खाला ने, उन्होंने जरा ख्याल नहीं किया कि हम उनकी यतीम भांजी हैं, बस जलील करके रख दिया। मेरे दिल पे तो ऐसा चरखा लगाया कि बद्दुआ निकलते निकलते रह गई मेरे मुंह से, सल्ला का खौफ आ गया मुझे, लेकिन खाला को ना आया। हसन भाई खुदा के भाई, आप चाहें तो अपनी बहन से पूछ लें, औलाद ना होने का गिला मैंने आज तक कभी नहीं किया इसके साथ। और मैं तो क्या, मेरे घर में किसी की जरूरत नहीं नायला से ऐसी बात करने की, और खाला मैं बता नहीं सकता आपको क्या हालत हो गई थी मेरी वहां पर। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि खाला ये सब कह सकती हैं। कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं तुम्हें, कुरान उठाऊंगी तो मेरा यकीन आएगा? नहीं नहीं खुदा ना खास्ता आपा, मेरा ये मतलब नहीं। अरे वो तो बुजुर्ग हैं, उनकी बुरी भली चलो हम सुन भी लें, ज्यादा दुख तो मुझे महविश की हरकत पे हुआ, उसने तो हमें बढ़ चढ़ के जलील किया। यूं समझे कि बस थक्के देके निकालने की कसर रह गई थी बाकी। हसन भाई मेरी तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से समझा बुझा के मामले को ठंडा करूं मैं।
हाँ लेकिन उनका इरादा ही नहीं था ना कि मामला ठंडा हो जाए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खाला और महविश के इरादे बदल चुके हैं, कोई और रिश्ता भाग गया उन्हें। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, इसीलिए तो उम्र गिनवा रही थी बार बार कि उनकी फूल सी हसीन बच्ची और एक ढलती उम्र का मर्द। मैंने तो तुम्हारा दिल खराब होने की वजह से नहीं कहा। मेरे भाई का दिल दुखाने वालों को कभी सुकून ना मिले। अरे बाहर में जाए वो लालची बदनीयत लोग, इतनी बदजुबान लड़की। मेरा हीरो जैसा भाई, इसके लिए तो कोई शहजादी लाऊंगी मैं चार दिन के अंदर अंदर, तुम देख लेना। मुझे कोई बात नहीं करनी। महविश एक दफा मेरी बात सुन। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक गलतफहमियां दूर नहीं होंगी, सो प्लीज फोन बंद मत करना, मेरी बात सुन। तो फिर आप अपनी बहनों से बात करें क्योंकि उन्हें गलतफहमियां हैं। आपको अंदाजा है कि इस घर में, हमारे घर में मेरी और मेरी अम्मी की कितनी बेइज्जती हुई है। महविश आपा का यह कहना है कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। हाँ तो बस ठीक है ना, आप उनकी बात का यकीन कर ले, मैं तो झूठी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वाकई ये नहीं कह रहा। मैं महविश लिसन, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं, बात करूं, असल बात जानूं। मैं एक तरफ की बात सुन के कोई फैसला नहीं करना चाहता। मैं देख ले, कोई एक ही ठीक हो सकता है, या तो वो या हम। आप तय कर पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। हाँ महविश, इसलिए मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ तुमसे। तुम जानती हो मैं अपनी बहनों की कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम ये भी बात जानती हो कि तुम मेरे दिल के कितने करीब। सो प्लीज एक दफा मिल लो, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। प्लीज एक दफा। ठीक है, कल मिलती हूँ। परेशान रहे हैं सारी रात हसन भाई, उठो के बाहर टहल रहे थे। बेचारा मेरा भाई, मुझे पक्का यकीन है कि खाला ने और उस मीसनी महविश ने ना तावीज डलवाए हैं, इसीलिए तो ये हाल हुआ। शुक्र है अब उस शिकंजे से निकला, जादू टूने का असर भी खत्म होगा, देखना। ठीक कह रही हैं आप। वैसे मुझे एक बात बताएं, मुझे तो आप बड़ा कहती रहती हैं कि मेरे शौहर का मुझ पे बड़ा रोब है और मैं बहुत दबती हूँ उससे। अपनी आप मुझे मिसालें देती हैं कि जहूर भाई आपके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, लेकिन खाला के सामने क्या हुआ, इतनी हिमायत कर रहे थे वो आप ही के सामने उनकी। अरे छोड़ो वो क्या और उसकी हिमायत क्या, लेकिन साकिब ने खूब होशियारी दिखाई। उससे कहना कुछ दिन असन के साथ रहे और उस पे नजर रखे, ऐसा ना हो कि खाला अपने घर बुला के कोई ड्रामा करे और उसे उल्टी पट्टी पढ़ा दे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी कह दूंगी कि वक्तन फवक्तन असन भाई की ब्रेन वॉशिंग भी करता रहे, क्योंकि महविश का भूत अभी तक पूरी तरह उतरा नहीं है। देखना महविश में अगर जरा भी शर्म और गैरत हुई ना तो मुड़के नहीं देखेगी मेरे भाई को इंशाल्लाह। अरे महविश बेटा तुम मुझे इतनी भारी नहीं हो, मैं तुम्हें उस जन्म में झोंक दूं। तुमने देखा था ना नजीबा ने मुझे कितनी बातें सुना दी, अब उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इतने सालों तक क्यों बिठा के रखा मुझे असलम के नाम पे? हाँ गलती हो गई मेरी बच्ची, और इस गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगी। ये दोनों औरतें ना तुम्हें नहीं बसने देंगी, और कल को असलम जिद करके और डट के तुमसे शादी भी कर लेता है तो चार दिन के बाद तुम्हारा जीना हराम कर देंगी और घर से निकाल देंगी। हर तरह की कोशिश करेंगी तुम्हारा घर खराब करने की। हाँ लेकिन अम्मी असलम ने तो कुछ नहीं किया ना, उनको तो खबर भी नहीं थी। अगर वो वादा करें कि वो कभी भी मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देंगे फिर? मर्द का वादा शादी से पहले ही पायदार होता है। और महविश तुम्हारे सामने नजीबा मुझे कितना सुना के गए कि मैं अपना थूका हुआ खुद चाटूंगी और अपनी बेटी को उनके सामने पेश करूंगी,
अब उनकी बात सच साबित करने के लिए तुम मुझे और खुद को जलील कराओगी उनके सामने, ताकि वो ये समझे कि असवन के अलावा कोई और मर्द तुम्हें अपना ही नहीं सकता। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी, क्या आप जो दावा करके आई हैं कि मेरी शादी उनसे भी बेहतर घर में करेंगी, वो सच हो जाए? आप लोगों के जज्बाती दावों में हम लोगों के जज्बातों का क्या होगा? इस तरह से बाहर नहीं, मुझे भी नहीं लगता। मैं भी नहीं चाह रहा था कि क्या करता, मजबूरी थी। मैं विश खाला के सामने मैं ये सब बातें नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, बड़ी फिक्र है आपको उनकी, जब उन्होंने इतनी बातें सह ही ली तो ये भी सह लेती। मैं विश मतलब तुम जानती हो पापा को, ऐसी हैं और नायला वो भी गर्म मिजाज, और खाला जान तुम्हारी अम्मी है, तुम उन्हें नहीं जानती? जज्बाती हैं, एक ही खानदान के, सब एक ही तरह के लोग। खाला भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई बात हुई होगी तो ऑब्वियसली खाला ने भी आगे से कह दिया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहता, सीरियसली मैं नहीं चाहता कि इस झगड़े की वजह से मेरे और तुम्हारे ताल्लुक पे कोई फर्क। मैं भी नहीं चाहती असलम, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आपका अपनी बहनों से जो ताल्लुक हो और मेरा मेरी माँ से जो ताल्लुक है वो हमारे ताल्लुक से कहीं ज्यादा मजबूत, और ना मैं अपनी माँ के खिलाफ जा सकती हूँ ना ही आप अपनी बहनों के। फाइन, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी तरफ से इन लोगों का दिल साफ कर सकते हैं। Yes. हल है ना? बिल्कुल हल। खाला बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी माँ की जगह पे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो घर आए मेरे घर आए या आपस में माफी मांगे, बेशक खाला की भी गलती हो, लेकिन एक सेकेंड असफ़ा, मेरी अम्मी की कोई गलती नहीं है। अगर उनकी गलती होती तो मैं उनको खुद नजीब आपा के पास लेके जाती और उनसे माफी मांगती, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। होगी पापा की गलती, और ये भी तो मुमकिन है कि ना चाहते हुए ना दानिस्तगी में आपन में कुछ कह दिया, लेकिन तुम सच्ची बात है, जब ये सब कुछ हुआ था तो क्या खाला चुप थी? खाला ने भी तो कुछ ना कुछ कहा होगा ना, गुस्सा किया होगा। लेकिन महविश, मुझे तो ये भी बताया गया कि तुमने आपा और नायला को कहा कि घर से निकल जाओ। हाँ तो कहा है मैंने, मैं आपा की तरह नहीं हूँ कि मैं कह के मुकर जाऊँ। आपने ये नहीं पूछा कि कब कहा और क्यों कहा? हाँ मुझे नहीं जाना तफसील में, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ उस बात में, बात खत्म करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे खत्म होगी असन ये बात? आप तो सिर्फ सुलह कराने में लगे हुए ना, झगड़ा सुलझाने में लगे हुए हैं। आप तो ये जानना ही नहीं चाहते आपकी माँ ने कोई तैयारी नहीं है कि सारी गलती सिर्फ आपकी बहनों की थी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा कसूर खाला का है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से बात हुई ना। दोनों तरफ से नहीं हुई, ये सब जान बूझ के किए गए प्लानिंग के तहत। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ये सोच के आया था कि तुम मेरा साथ दोगी, इस मामले को खत्म करने में तुम कोऑपरेट करोगी मेरे साथ।
तो मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था महवेश के जब मैं तुमसे ये बात करूंगा तो तुम आगे से कहोगी कि हाँ ठीक है मैं जाके आपस से माफी मांग लेती हूँ, उनका गुस्सा कम हो जाएगा, तो मैं सारी माफी मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी उनसे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बुरा मत मनाना लेकिन ये साकिब जो है ना कभी कभी गप बड़ी लंबी छोड़ता है। अच्छा तो फिर फोन बंद करो, मैं जरा खाला से तो बात करूं, उनकी तबीयत साफ करती हूँ। हेलो। वाह खाला वाह, ये है वो तरबियत जिसका जिक्र कल बड़ी शान से कर रही थी आप। अब कौन सी कसर बाकी रह गई थी नजीबा जो आप फोन करके भी जहर उगल रही हो? नहीं 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 नहीं, कसर तो आपकी बेटी ने नहीं छोड़ी आपको बदनाम करने की। मैं आपसे कह रही थी ना इतनी अकड़ में ना रहें, बैठी रह जाएगी आपकी बेटी, लेकिन आपके वो बड़े बड़े दावे। अरे ऐसी बेटी से कौन शादी करेगा, कहाँ से रिश्ता ढूंढेंगी जो पार्कों में सड़कों पे होटलों में मुलाकातें करती फिर रही है। आज आपकी इज्जत का जनाजा निकाल रही, कल मेरे भाई का मुंह काला करवाएगी। मैं तो सोच रही थी आप पे तरस खा के दोबारा आ रही थी तारीख लेने के लिए कि खाला बेचारी कहाँ जवान बेटी को बिठाए रखेंगी, लेकिन अब नहीं भाई, ये कीड़ों भरा कबाब और ये दाग लगा हुआ फल मेरे भाई के लिए ही रह गया, हरगिज नहीं। I can't believe कि आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांग, गलती उनकी, मैं ही माफी मांगू, जलील भी नहीं हूं और मैं ही आहिस्ता बोलो, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, खास तौर पर तब जब एक माफी की वजह से एक रिश्ता बच जाए, दो लोगों की जिंदगी जाया होने से बच जाए। हाँ तो आप अपनी बहन से क्यों नहीं कहते कि वो ताल्लुकात बचाए, सारे ताल्लुकात मेरे लिए बचे कि मैं ही बचाऊं, उनसे बोले ना कि वो अपने भाई के लिए अपनी अना भूल जाए। हाँ हक रही हो तो मैं आपा से कहूं कि वो तुमसे माफी मांगे। मैंने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल दान किए आपको, ये फजूल चीजें थी आपकी कि नबीला की शादी के बाद शादी करेंगे, क्या हो चुका मैं उसके आते हुए रिश्ते रोक लेती। हाँ फिर भी अम्मी ने आपकी सारी ख्वाहिशों का पास रखा, किस लिए? इस दिन के लिए कि आप मुझे अपनी बहनों से जलील कर पाए और फिर माफी भी नहीं मांगू। तो तुम्हारे जो इतने साल जाया हुए उसका महसूस है तुम्हें, या फिर जो ये नया रिश्ता आया भाई ये कहीं चला ना जाए इसका भी डर है? सच बोल ही दिया ना आपने, निकल गया आपके मुंह से। बहुत कहते थे आप मौजूदा आपा आपको मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं भरती आपके जहन में, ये बात आपने खुद ही कह के मुझे बता दिया है आज क्या आपके दिल में कितनी इज्जत है मेरी, कितना जहर। जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, छोटी सी सी एक बात को ना का मसला बना दिया तुमने, सारा सी माजरत कर देती। माजरत मैं बताती हूँ आपको, माजरत माजरत आप करेंगे आपकी बहने मेरी अम्मी से आके माफी मांगी और तब सोचा आप
मेरी वजह से तुम्हारे बहुत साल जाया हो गए ना महविश। माफी मांगना चाहता हूँ उसकी। महविश मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारे 5 साल जाया हो गए, पर अब तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जब से ये नया रिश्ता जो भी है जिसका भी है ये रिश्ता आया है ना, तुम्हारी और खाला की नीयत बदल गई। गुमसुम हम हैं, गुमसुम तुम हो।